नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 57 दिन हो गए और निरंतर आप बिगुल बजाए हो, जल्दी नंदीशाला का निर्माण हो, लेकिन अभी तक कोई हुआ नहीं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आज मैं लाल बहादुर जी शास्त्री और महात्मा गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, उनकी जयंती है, उनको इस मंच के माध्यम से गौशाला के नंदी बाबा के धरने से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। सभी गोभक्तों की तरफ से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे तो ये निपटारा आज ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। कोई भी घटना दुर्घटना होती थी तो महात्मा गांधी का सीधा सा उद्देश्य था कि वो उपवास करते थे और सरकार से अपनी बात मना लेते थे, लेकिन ये सरकार जो गांधी जी का पूरा समर्थन लेकर सत्ता में रहती है, ये गांधी जी को भी कुछ नहीं मान रही है। निंदनीय है कि आज के दिन चाहते तो सभापति जी और जो यहाँ के नामी नेता बनते हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर प्रशासन पर अपना रोप छांट के या सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही करके, उनका नाम है हरिमोहन जी शर्मा, लेकिन उनके कानों पे जू नहीं रहेगी। सभापति जी ने झूठ माठ बुहारा उठाया, नागर सागर कुंड के यहाँ चल गए, अरे एक फोटो खींचा लिया अखबार में, फोटो छपा दिया। देखो आप एक समस्या क्या है कि जैसे धरना लगाता है, गौसेवक भूख हड़ताल करता है, ये नंदी और गो मारे मारे रोड पे फिरते हैं, इनका कोई फोटो नहीं खींचता है, लेकिन सभापति जी ने, मैं सबके इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन से भी अपील कर सकता हूँ, और उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सब सत्य बोलिए कि क्या सभापति जी सभा ही कर सकते हैं? क्या एक घंटे तक झाड़ू चला सकते हैं? नहीं चला सकते, लेकिन केवल फोटो छपाने के लिए उन्होंने वो झाड़ू उठा लिया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि धरने को इतना लंबा समय हो गया, हम लोग भी करीब करीब कहाँ तक कहें, सब कुछ कह चुके, लेकिन हमारा धरना हमें शुरू से कहता आया हूँ शांतिपूर्वक अहिंसात्मक है, तो हम अहिंसा से ही रहेंगे जब तक की विचारधारा से धरना चल रहा है, और गांधी जी की विचारधारा की सभापति और कांग्रेस की पार्टी है, उसके बावजूद आज इतना बड़ा दिन होने के बावजूद आपसे आकर नहीं मिले, नहीं कोई विचारधारा से नंदीशाला निर्माण करने का आश्वासन दिया, क्या कहना है आपका? ऐसे फोटो इसी को अधर्मिता कहते हैं, आंखों पे पट्टी बंधी होना, आंख का अंधा होना, मतलब दिखते हुए भी अंधे बेरे हो रहे हैं, क्योंकि हरिमोहन जी को तो भूमि पूजने से फुर्सत नहीं मिलने रही, क्योंकि भूमि पूजने में ही ठेकेदार से कमीशन सेट हो जाता है, जो भूमि पूजेगा उसी का कमीशन सेट है, जगह जगह की भूमि पूज रहे हैं,
अभी जैसा के रोड की भूमि पूजी है, सड़क आज दिन तक नहीं बनी। इसी तरह कई तरह की सड़कें हैं, ये सब पैसा सीवरेज का जो पास हुआ है वो आ रहा है, ये कोई एक रुपया भी लेके नहीं आए, ये पैसा सब उसका आया हुआ है। और कोई भी होता जब भी ये पैसा आता तो इनका क्या है, इसमें कमीशन सेट हो चुका। नंदीशाला की जो जगह है उस पर ये गए, इन्होंने भूमि पूजी, नाश्ता किया, वहाँ तक भी ठीक है, सभी करते हैं भाई, ठीक है आप भी नेता हो, लेकिन उसको बनाओ तो सही, उसका काम क्यों रुका? पत्थर डालने वाला पत्थर लेकर ट्रोलिया घूम रहा है, उसके पत्थर नहीं डालने देते हैं। ठेकेदार काम करना चाहता है, उसको काम नहीं करने देते हैं। क्यों नहीं करने देते हैं? क्योंकि उस जगह पर या जिस तरह गौशाला की ज़मीन पर कब्जा किया है, उसी जगह पर ये अपना कब्जा स्थापित करना चाहते हैं। इनको पता है थोड़े दिनों में ये लोग थक जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलत पे भी है, हम लोग थकेंगे नहीं। ये धंधा अनवरत चलता रहेगा जब तक अस्पताल के अंदर जो घायल गोवंश हैं उनको ये वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर देते। अभी कोली अंगड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है। क्योंकि उन्होंने लिख के तो खेई को दे दी कि भाई आश्वासन दे दे के, अभी वो सब्जी मंडी वाले रोते रोते फिर रहे बेचारे, वहाँ लिख के दिया ही, उन्होंने कहा साहब इसको सेट रखा जाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। तो ये धंधा लिखित आश्वासन से भी नहीं मानने वाला, इसको प्रैक्टिकल में आना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिकल की लड़ाई लंबी है। क्योंकि जब ये कानून की नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की नहीं मान रहे, आप देखो तो सही ताजुब क्या हो रहा है, न्यायाधीश की अवमानना हो रही है उसको। नहीं उनका तो कहना है कि बेटे रो, हमारे को फर्क पड़ने वाला नहीं, पड़ेगी जब बना देंगे। यहाँ फर्क किसके पड़ रहा है? फर्क तो जनता के पड़ रहा है। गौ सेवक भी यहाँ बैठे बैठे आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बाद में आप लोग भी कारों में घूम रहे हो, उसके बाद फर्क जनता के पड़ रहा है। आप कल ही देखो कैसे रायपाटन में सांड ने उठा के आदमी को फेंक दिया, तो घटना तो जनता के साथ हो रही है। बूंदी में अगिनत घटनाएं होती है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने ये नहीं आता है, कोई की छोटी मोटी, तो फर्क किसी की नहीं पड़ रहा, फर्क तो इस जनता के पड़ रहा है जो तुम्हारे को वोट देती है। जनता बोलने की लगभग 10-5 मोदी है, जनता में भी कई लोग घायल भी हुए, उसके बावजूद क्यों जनता मौने बोली? जनता मौन नहीं है, जनता बोल रही है, लेकिन जब न्यायाधीश की नहीं सुन रहे हैं तो ये जनता की कैसे सुनेंगे? जनता जन आंदोलन करेगी, उनके मुकदमा लगा देते हैं, इसलिए बेचारे लोग इधर उधर आगे पीछे हो रहे हैं, नहीं तो साथ तो सब है। हम लोगों से सब चर्चा होती है, गोपाल सेवा संतान के साथ सारी जनता है, लेकिन जैसे ही आंदोलन करेंगे, और ये जो नेता है हरिमोहन शर्मा वगैरह, ये पत्थर फिकवाएंगे, पत्थर फिकाते ही और पुलिस हमारे पे लाठी चार्ज करेगी, क्योंकि अगुवाई तो हम लोग ही करेंगे, इसलिए जनता को हम रोके हुए हैं। क्या माने दमन? जनता नहीं रुक रही है, जनता तो तैयार है। क्या माने दमनकारी नीति पर उतरा है ये लोग? हाँ, इनका मुकाबला कानून से किया जाएगा। वैसे तो अगर न्यायाधीश के आदेश की पालना नहीं हो रही है तो लड़ाई लड़ी जाएगी, भाई न्यायाधीश की तो सुनो, अब जो भी दोषी होगा उसको सजा तो मिलनी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हो सकता है इनमें सद्बुद्धि आ जाए। यज्ञ इसलिए कराया था गौसेवकों ने, सद्बुद्धि का जो यज्ञ कराया गया है वो इसीलिए कराया गया है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक बार अगर इनमें सद्बुद्धि आ जाए तो वो देख ले, क्योंकि हम तो शांति वाले लोग हैं, अहिंसात्मक लोग हैं, तो वो सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए कराया गया है कि हो सकता है ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश की इज्जत रख ले, क्योंकि तो रखना तो कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है, लेकिन बेचारे हो सकता है वो भी दबाव में आ रहे हों। तो हमारा सीधा सा तरीका ये है कि अगर ये हाई कोर्ट की भी अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट का मान नहीं गिरने दिया जाएगा। ये आंदोलन जो चल रहा है ये कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए किया जाएगा। अगर न्यायाधीश की अगर इज्जत बरकरार नहीं रहती है तो देश में कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, फिर तो सारे मजिस्ट्रेटों को अपनी कुर्सियाँ छोड़ छोड़ के बेचारों को रोड पे बैठना चाहिए। वकील क्यों बैठे हैं वहाँ अंदर? इसीलिए तो बैठे कि उनका विश्वास है न्याय में, जनता का विश्वास है न्याय में, लेकिन ये तो न्याय की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हमारे पास सब तरह की गोपियाँ हैं, ये बोर्ड लग रहा है, आप देखिए, आपको आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, इसमें साफ अतिक्रमी का नाम लिख रहा है, जिसने अतिक्रमण किया है उसको साफ तरीके से अब तक तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन जब अतिक्रमित जेल में नहीं जाता है तो दूसरे लोगों की अपने आप अपराधियों की हिम्मत बढ़ेगी। चोरियां तो लगातार बढ़ी रही है क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ चुकी है कि जब एक अतिक्रमण करने वाला, उसको हाई कोर्ट ने जो आदेश दे रखा है कि इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, तो फिर छोटे मोटे उनका क्या है, वो तो जगह दबाएंगे सही। तो इसलिए सभापति जी को चाहिए कि अपना पति मोह छोड़ देना चाहिए, और जिस सीट पर उनको जनता ने बिठाया है वहाँ नियम की पालना करनी चाहिए, उसके साथ साथ वो संबंधित अधिकारी
जिसको हाई कोर्ट से आदेश मिला है, जिसको नियुक्त किया गया है, उसको भी पालना करानी चाहिए। क्योंकि आगे जाके जब वो सस्पेंड होएगा या उसके ऊपर कोई बात आएगी तो सभापति जी थोड़ी आएंगे बचाने, ये तो नेता है। अगर शहर में कोई भी एक व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, तो राजा को या नेता को नींद नहीं आना चाहिए, या तो कई मर चुके हैं। देखो कहते तो यही है, सुना भी अभी तक यही है, सुना भी यही है, रोता भी ऐसा ही है कि जहाँ प्रजा सुखी होती है तो वहाँ का राजा भी सुखी रहता है। और प्रजा का अगर कोई लास्ट अंतिम रेखा का व्यक्ति भी अगर दुखी है तो राजा वैसा ही होना चाहिए कि उसको नींद नहीं आती है। लेकिन वो तो बंगले में सो रहे हैं, आज उनकी 84 साल की उम्र हो गई, उनको शर्म नहीं आती है। एक भूमि पूजने के बाद कई तरह की भूमियाँ पूज रहे हैं, उसको संभालो तो सही जाके। आप एक बार खुद ही घूम जाओ, अपनी गाड़ी ले गए हो या हो, नहीं होता है तो हमसे कह दो, हम लोग ले चले आपको, उसको देखो तो सही हुआ क्या है। जब बेचारे गोवंश मारे फिर रहे, आप आगे देख लो यहाँ पे रोड पे, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी कारों में चश्मा लगा के कांच और लगा रखे हैं, ऐसी चल रहा है, जागते नहीं हो रोड पे, तो ये बेचारे मारे फिर रहे, भूखे मर रहे हैं लोग, बाग इनको लट्ठों की दे रहे हैं। अगर समाज सेवी लोग, बामाशाह लोग अगर इनको चारा नहीं डाले ना, तो ये मान लो कल ही मर जाए। छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सेवा के लिए कभी भी मान अपमान का ध्यान नहीं रखते हुए सेवा करनी चाहिए। तो मैं सम्मान्य हरि मोहन जी शर्मा जो यहाँ के अघोषित अघोषित देता हो रहे, वैसे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीता हुआ तो सो रहा है, जो विधायक जीत गया वो तो सो रहा है, उसको तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो हार गया है वो सक्रिय है। इसलिए कहना उनसे है कि भूमि आपने पूछ दी, पूछना तो इसको चाहिए था, क्योंकि 3 बार से विधायक है, 1 बार से नहीं है, 3 बार से क्या है कि समस्या ही नहीं मिटी, कौन सी भी समस्या ही नहीं मिटी, क्योंकि अगले को फुर्सत ही नहीं है। सारा बूंदी केवल खेल संकुल में सीमित नहीं होगी, जो वहाँ जाते हैं और उसमें ट्रैक में भागे भागे फिरते हैं, और भी बूंदी है, आप देखिए आके देखिए, सारी स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। और मैं इसके साथ साथ मेरे पास जयसागर रोड निवासी जो दलेलपुरा तक के थे वो भी आए थे, तो उनकी तरफ से भी मैं हरि मोहन जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जो भूमि पूजी है वो सड़क बनाई है, उसमें लोग चोटिल होते हैं, घायल होते हैं, तो उनकी भी आप जाके देखिए कि मैं जो भूमि पूज के आया उसमें किस किस पे काम हुआ। और मेरी विशेष मांग है, अगर आपने शीघ्रता से अस्पताल की गायों का निवारण नहीं किया है, तो आप ये जो गाय हैं यहाँ पे है, जो नदी यहाँ पे है, ये सीधे हम आपके घर पे लेके जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है आपको, आप वहाँ पूजा करके आगे, अरे हम 3 दिन के अंदर टीन शेड करा देंगे। गोपाल जी गोसेवा संस्थान से आप बात कीजिए, जब आज में 25 किलोमीटर से गाय लाके यहाँ ठीक करा लेता है इनके पास है, तो टीन शेड में क्या एक दिन में ऑर्डर दिया, टीन शेड लगने शुरू हुए। अब आप जबरदस्ती इधर उधर साल भर 3 साल, अरे मैं कह रहा हूँ गौशाला का काम तो बंद होना ही नहीं चाहिए, 1 साल क्यों, आप तो 100 साल तक चलाओ, जितनी जगह खाली है सब पे गौशाला ही बनानी है अपने को तो, लेकिन चलाते तो रहो। कब चलाओगे आप, जब आपको टिकट नहीं मिलेगा जब चलाओगे क्या? आप हमेशा कमीशन खोरी का धंधा करते हो, मैं आपको साफ चेतावनी देना चाहता हूँ, आप अति शीघ्रता से, क्योंकि सभापति को भी आप गुमराह कर रहे हो, सभापति को गुमराह करने का आपका कारण विशेष ये है कि ये उलझी रहे, इसकी जयकार नहीं लगे और ये मेरे बच्चे के ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अयोग्य है लेकिन फिर भी उसको रमन बैग में बिना चुनाव कराए बिना रखा है। अरे आप चुनाव को समाज की धर्मशाला में ले गए, शर्म की बात है, बूंदी की जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हो, आपसे दबते होंगे अधिकारी लेकिन बूंदी की जनता नहीं दबती है, क्योंकि वो आपकी सारी नीति को समझ चुकी है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि अति शीघ्रता से इन मूक जीवों की जो अपनी बात नहीं कह सकते, इनकी समस्या का तुरंत समाधान कीजिए। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। बंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आप 57 दिन हो गए, जनता निरंतर कह रही है, क्या कहना है आपका अभी तक? हमारा यही कहना है नगर परिषद प्रशासन से और जिला प्रशासन से, जो नंदीसाल अगले जो भूमि आवंटन हुई है उसमें स्थानीय नेताओं ने, सभापति जी ने, सभी ने मिलकर वहाँ भूमि पूजन कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमारी मांग भी यही थी, वहाँ भाई नंदीसाल का निर्माण शुरू होना चाहिए था, पर वो निर्माण 2-4 दिन चालू हो कहीं वापस बंद हो गया, तो इस बात को इनको सोचना चाहिए ना, प्रशासन को और नगर परिषद को, जो
इन बेचारा गोवंश की वजह से गोपाल गोसेवा संस्थान जो लड़ाई लड़ रहा है, तो तभी ये गोवंश अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब आ रहा है नंदीशाला के लिए भूमि पूजन करने का। वहाँ काम ठप पड़ा है, तो इनको चाहिए कि वहाँ पे दोबारा से काम शुरू करें और हमारे जो पशु चिकित्सालय में बेसारा गोवंश है तो उनकी जल्द से जल्द व्यवस्था करें और उसी में करें नंदीशाला में। हमारी मांग भी यही है। उनका तो कहना है कि धरने में बैठे तो बैठे रहो, अब दबाव बनाने के लिए क्या करोगे आप? बैठे रहेंगे हम नंदीशाला निर्माण का, जब तक वहाँ काम शुरू नहीं हो जाता दोबारा से, तब तक बैठे रहेंगे। जब तक हमारे पशु चिकित्सालय के गोसा वो बेसारा गोवंशों का अगर समाधान नहीं होता है तब तक हम बैठे रहेंगे। बैठे आराम से गौ माता का कीर्तन कर रहे हैं, चल रहा है हमारा। इसके अलावा कोई आंदोलन बड़े रूप लेगा या फिर धरना चलता रहेगा? आंदोलन भी हम जैसे ही हमारा योग बैठेगा बड़े आंदोलन का तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, प्रशासन की नाक में दम कर देंगे जिस दिन चाहेंगे जिस दिन। तो हो गया लेकिन अभी नंदीशाला निर्माण में एक साल का समय लगने का संभावना बताई जा रही है, तब तक क्या धरना चलता रहेगा? हो सकता है एक साल भर भी चले धरना, अगर ये अपनी जिद पर रहते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे आराम से शांति पूर्वक। वर्तमान में पशु चिकित्सालय में दायित्व गोवंश है जिनके लिए बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए क्या उपाय, किस तरह का दबाव बनाओ उसके लिए? बराबर दबाव बनाए हुए आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सभी क्षेत्रों में अखबारों के माध्यम से सारी तरह से हमने इनको प्रशासन को और नगर परिषद को अवगत करा दिया है। अब ये उनकी सोच है उनको क्या करना है, कैसे इन बेसारा गोवंश की व्यवस्था करना है। रोड पर भी 11 बीघा जमीन आवंटित हुई है गौशाला के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? उसके लिए भी बड़ी शर्म की बात है, भगवान जी नवाल के लिए और सभापति जी के लिए जिनके पति का ही कब्जा है, तो इन लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द उसका भी अतिक्रमण हटाए, नंदीशाला भी बनाए और गौ माता के लिए गौशाला भी बनाए। 11 बीघा जमीन को खाली कराने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा प्रयास जो हाई कोर्ट के माध्यम से उनको हाई कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को, तो जिला कलेक्टर महोदय को करना है ये काम, वो करें तुरंत। हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है? हाई कोर्ट की आदेश की पालना नहीं हो रही थी तो भारतीय संविधान के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जाएंगे हम कोर्ट में जाएंगे और आगे जरूरत पड़ी तो, अगर हाई कोर्ट का ये आदेश नहीं मान रहे तो हम जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ये कि हमारा धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है और भगवान गौ माता का और नंदी बाबा के जय कार्य चल रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और इसके लिए कुछ जन जागरण चलाने का अभियान हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जिस दिन हमें लगेगा कि हमें कुछ नया करना है उस दिन नया कर देंगे हम। अभी कोई रणनीति वर्तमान में बनाई कोई? हमारी रणनीति चल रही है गोसेव गोसे गांव गांव गोसेव गोसे इनसे हमारी वार्तालाप चल रही है, जैसे ही हमारी रणनीति कामयाब हो जाएगी तो हम उसका प्रशासन को जवाब देंगे। किस प्रकार का आंदोलन रहेगा? आंदोलन हमने पहले भी आंदोलन करे उनसे तो बड़े ही आंदोलन होगा, उससे उससे और ताकतवर ऊपर के आंदोलन होगा। हमारी संख्या में इकट्ठा होकर रोड जाम करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे या घेराव करेंगे, क्या करेंगे? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अगर प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन समय रहते ध्यान नहीं देगा तो उस रैली में जो लोग आएंगे अगर वो आक्रोशित रूप में कुछ कर बैठते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी होगा, जाम भी होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए। अभी कोई समय सीमा तारीख वगैरह कुछ हुई है आप इसके लाने की? अभी कोई हमने समय सीमा या तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन हमारी योजना में है हम कभी भी जिस दिन चाहेंगे जिस दिन बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद अध्यक्षता लगने वाली शायद 2-4 दिन बाद, उसके बावजूद कोई कार्य होंगे नहीं, क्या कहना है? कार्य जब नेता लोग आंदोलन रैलियां कर सकते हैं चुनावी सभा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, करेंगे। आपका नाम? प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गोसेवा संस्थान बोली। गाय हमारी माता है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 57 दिनों हुए धरने पर बैठे को आप आए हो, क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि 57-58 दिन से इन लोगों का धरना जारी है
और मैं भी जो बीमार गौवंश रहता है मेरे गांव में व्यवस्था नहीं हो पाती खटखड़ में, उन गायों को यहां पे लेके आता हूं। और जो अस्पताल में गायों को रखने की जगह है जो काफ़ी कम है, गौशाला के लिए जो नंदीशाला के जगह आवंटित की गई है उसका मतलब जो नंदीशाला मतलब भूमि पूजन हो चुका है पर उसके निर्माण में देरी की जा रही है। तो मेरा नगर परिषद से ये कहना है कि नंदीशाला का जल्द से जल्द निर्माण शुरू करवाए और जितने भी जो 200-250 गोवंश बीमार लाचार गाय जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है उनके वहाँ रखने की व्यवस्था करवाइए। आपने कहा कि खटगढ़ से मैं गायों को लेकर यहाँ आता हूँ, कितने किलोमीटर? खटगढ़ यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर से गायों को यहाँ लेकर? हाँ, गायों को यहाँ। हाँ, सेवा कौन करता है? उन ये गोपाल गौसेवा वाली टीम के द्वारा उनकी सेवा की जाती है, गोपाल जी महेश्वर के द्वारा। जिले में 25 किलोमीटर दूर तक की गायें कहाँ लाई जाती है, सेवा कौन करता है? गोपाल देव गौसेवा। इनके अलावा कोई चिकित्सालय प्रशासन वगैरह को देख मिलता है कि नहीं? कोई नहीं मिलता। ये सेवा? हाँ, गौसेवा गोपाल। हाँ, कितने गोवंश हैं वहाँ पे? 200-250 करीब गोवंश हैं, कम से कम 15-20 गाय मैं खुद ला चुका हूँ वहाँ पे। 57 दिन हो गए इधर रहो, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, क्या कहना है आपका? यही है कि जो भी नगर परिषद के सभापति साहब महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो भी है प्रशासन को जल्द से जल्द चेतावनी है, उनको जगना चाहिए और आगे की जो भी रूपरेखा गोपाल गौसेवा संस्था द्वारा जो बनाई जाएगी उसके द्वारा ही मतलब जो भी आगे की रूपरेखा है हम तैयार करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप युवा हो, तो युवाओं से क्या कहना चाहोगे जिले के? युवाओं से ये कहना है मेरा तो कि सभी जितनी भी संख्या में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और गौ माता के लिए अपनी आवाज़ उठाए। नंदी बाबा के लिए अरुण गोस्वामी गोरक्षा दल खटखड़। गाय हमारी माता है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 57 दिनों हुए धरने पर बैठे हो, आप आए हो, क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि 57-58 दिन से इन लोगों का धरना जारी है और मैं भी जो बीमार गौवंश रहता है मेरे गांव में व्यवस्था नहीं हो पाती खटखड़ में, उन गायों को यहां पे लेके आता हूं। और जो अस्पताल में गायों को रखने की जगह है जो काफ़ी कम है, गौशाला के लिए जो नंदीशाला के जगह आवंटित की गई है उसका मतलब जो नंदीशाला मतलब भूमि पूजन हो चुका है पर उसके निर्माण में देरी की जा रही है। तो मेरा नगर परिषद से ये कहना है कि नंदीशाला का जल्द से जल्द निर्माण शुरू करवाए और जितने भी जो 200-250 गोवंश बीमार लाचार गाय जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है उनके वहाँ रखने की व्यवस्था करवाइए। आपने कहा कि खटखड़ से मैं गायों को लेकर यहाँ आता हूँ, हाँ, कितने किलोमीटर है खटखड़? खटखड़ यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर से गायों को यहाँ लेकर? हाँ, गायों को यहाँ। हाँ, उसकी गैलन सेवा कौन करता है? उन ये गोपाल गौसेवा वाली टीम के द्वारा उनकी सेवा की जाती है, गोपाल जी महेश्वर के द्वारा। जिले में 25 किलोमीटर दूर तक की गायें कहाँ लाई जाती है, सेवा कौन करता है? गोपाल देव गौसेवा। इनके अलावा कोई चिकित्सालय प्रशासन वगैरह को देख मिलता है कि नहीं? कोई नहीं मिलता। ये सेवा करते? हाँ, गौसेवा गोपाल। हाँ, कितने गोवंश हैं वहाँ पे? 200-250 करीब गोवंश हैं, कम से कम 15-20 गाय मैं खुद ला चुका हूँ वहाँ पे। 57 दिन हो गए इधर रहो, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, क्या कहना है आपका? यही है कि जो भी नगर परिषद के सभापति साहब महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो भी है प्रशासन को जल्द से जल्द चेतावनी है, उनको जगना चाहिए और आगे की जो भी रूपरेखा गोपाल गौसेवा संस्था द्वारा जो बनाई जाएगी उसके द्वारा ही मतलब जो भी आगे की रूपरेखा है हम तैयार करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप युवा हो, तो युवाओं से क्या कहना चाहोगे जिले के? युवाओं से ये कहना है मेरा तो कि सभी जितनी भी संख्या में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और गौ माता के लिए अपनी आवाज़ उठाएँ। नंदी बाबा के लिए अरुण गोस्वामी गोरक्षा दल खटखड़।